बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम शरबत बना रहे हैं, लाल शरबत। तो सिंपल सा शरबत बनाएंगे। आपको घर पे ये सारी तमाम चीज़ें होती हैं, बस मेरे ख्याल में शायद आपको लेकर आना पड़ेगा तो एसेंस लेकर आना पड़ेगा, वरना चीनी, टाटरी और कलर, फूड कलर तो आपके पास होता ही। तो ठीक है, हम फिर शुरू करते हैं। मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि 1 किलो हमने चीनी ली है, आधा किलो हमने पानी लिया है, तो 1 टीस्पून के करीब हमने जो ना टाटरी लिए। तो टाटरी जो है वो शरबत में डालना लाजमी है, वरना चीनी जो है वो जुड़ जाएगी, शरबत जो है आपका वो बिल्कुल जुड़ जाएगा, आपका शरबत वैसा नहीं रहेगा। और हमने 1 टीस्पून के करीब जो है ना वो फूड कलर लेना है, और ये जो है ना ये 1.5 टेबल स्पून हमारा ये एसेंस है, ये रूह अफ़ज़ा के नाम से मार्केट में मिल जाता है आराम से, आप इसको ले लें। तो फिर हम शुरू करते हैं। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पानी शामिल किया, चीनी शामिल की। ठीक है, चीनी और पानी को हमने जो जो उबाल देना है। एक मिनट, ये हिल रही है पतीली, मेरे पोने पता नहीं कितने झंडे रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको उबालेंगे। जब उबाल आ जाएगा फिर उसके बाद हमने जो है ना उतारने के बाद, चूल्हा बंद करने के बाद हमने एसेंस डालना। ठीक है, जैसे ही इसको उबाल आना शुरू हो जाए इसको तकरीबन हमने 10 मिनट तक पकाना है ताकि ये गाढ़ा हो जाए। 5 मिनट हमने इसको शीरे को पकाया है और 5 मिनट हम इसको कलर डाल के पकाएंगे। पहले कलर देख लेते कितना शामिल होगा। ये देखें, एक मिनट मैं आपको बता दूँगी, क्योंकि फुल जो है ना मेरे पास 1 टीस्पून के करीब है। इसको हम आहिस्ता आहिस्ता शामिल करेंगे, क्योंकि कलर पर भी डिपेंड करता है ना, आपको कलर भी अच्छा आ जाए तो फिर अच्छी अच्छी नहीं हल्का है। ऐसे बस। ठीक है थोड़ा सा और कलर चाहिएगा। ठीक है, देखो ना अभी तो ये गाढ़ा होना है ना, कम लग रहा है ना? मैंने तो ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। पहले चमचे ही चंगा थोड़ा सा, थोड़ा सा ऐसा। ठीक है, अच्छा मैंने तकरीबन मैंने ले लिया है 1/2 टीस्पून के करीब कलर। ठीक है, क्योंकि कलर आपने पता नहीं कौन सा लेना है, आपका हो सकता है 1 टीस्पून जाए, मेरा तो 1/2 टीस्पून गया है, तो हो सकता है आपका भी 1/2 टीस्पून ही चला जाए। देखिए कलर कितना अच्छा आ गया, खुशबू आना शुरू हो गया। अच्छा, इसको हम पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट, फिर उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे। देखिए 5 मिनट हमने कलर को पका लिया, आप चूल्हा बंद कर दें। अच्छा, चूल्हा बंद कर दें इसको, ये देखिए तकरीबन आपने इसको 5 मिनट तक छोड़ देना है या 10 मिनट तक छोड़ देना, जब तक आपका ठंडा हो जाए। माहौल देख लीजिएगा, अगर आपका किचन का बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसको 10-15 मिनट भी छोड़ दें, अगर आपका थोड़ा ठंडा ठंडा माहौल है, पानी ये इसको पंखे के नीचे ले जाएँ तो थोड़ा नॉर्मल हो जाए, इतना भी गर्म ना रहे और इतना भी ठंडा रहे, नॉर्मल हो जाए, फिर हम इसमें शामिल करते बाकी की चीज़ें। अच्छा देखिए, इस टाइम पर इस टाइम पर हमने टाटरी शामिल कर दी है, और एसेंस भी मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कितना है। ये देखिए बिस्मिल्लाह, 1 टेबल स्पून डेट। ठीक है, और हमने इसको अब चलाना है, बस ये तैयार हो गया। अब इसको हम बनाकर शरबत भी बनाकर बताएंगे कि पीने में कैसा टेस्टी होगा। खुशबू तैयारी अच्छी लग रही है, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा, ये देखिए ठंडा हो गया, ये देखिए मैंने पतीली को भी पकड़ा हुआ, इतना ठंडा हो गया। अब इस तरह की बोतल में आपने भर, ओरेंज चॉकलेट नहीं है, इस तरह की बोतल में आपने भर के फ्रिज में रख देना, और जब भी दिल करे आपने पीकर इसको मैं ना आलिया एनु पता है गिलास पहले चुका दे फिर रखे ना, नहीं मैं पा के दसनी है ना। हाँ चल फिर पा ला पहले। हाँ पढ़ा लिया बोतल। हाँ फोड़, वो बड़ी बोतल थी ना उसमें कह रही नहीं छोटी में डाल लो, बड़ी जो है ना वो फिर सही नहीं है। बिस्मिल्लाह, चलो ठीक है, आपने इसको फ्रिज में रख देना, इसको साइड पे कर दो। अब इसको उसमें पकड़ना ज़रा। बिस्मिल्लाह,
पूरी पूरी दो पोटला बन गई है ना। ठीक है, ये दोनों बन गई हैं, तो अब हम बनाते हैं शरबत। आपको बना के बताते हैं कि किस तरह का बना है। ठीक है, ये देखें पानी हमने ठंडा ले लिया गिलासों में। कितना ज़बरदस्त कलर आया देखें। बिस्मिल्लाह। ठीक है, आपने ज़रूर बनाकर ट्राई करना, इतना मुश्किल नहीं है। मैंने तो आपको बताया कोई भी चीज़ बनाए तो मुश्किल होती नहीं है, आपने ज़रूर बनाना है। देखिएगा अभी उसमें पी के बताएंगे। ये मैं पी लेती हूँ, तस्वीर खींची एक तस्वीर खींचनी। ये मैं पी लूँ। चलो रख दो, बाद में पी लेंगे। ठीक है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो मुझे तो दुआ में ज़रूर याद रखना है, उन्हें पंजाबी दस चीनी अद्धा किलो, चीनी एक किलो तो अद्धा किलो जो मैं पानी लिया सी उन्हें मैं पका लिया सी चंगी तरह। जो पक गया तो 10 मिनट मैं उन्होंने पका के तो मतलब गाढ़ा जिहा शीरा बना लिया। फिर आखिर चो जो थोड़ा चुल्हा बंद करने तो 5 मिनट पहले ना मैं पा लिया सी कलर, पा लिया सी कलर भी फिर मैं पकाया। फिर चुल्हा बिल्कुल बंद करके ना तो एसेंस पाया तो टाटरी पाई है। टाटरी जाना चीनी जुड़े जुड़ेगा नहीं शरबत है, चीनी मतलब होंगे ना थले चीनी जम जाती वो नहीं करेगा, टाटरी लाजमी पानी है। तो बनाओ, ट्राई करो, तो जरूर ठंडे ठंडे शरबत पी के गर्मी के इंजॉय करो। तो मैंने दुआ जरूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।